अग्रवाल वैश्य पंचायत और समाज सेवी काकू बंसल के खिलाफ उन्हीं की ही नौकरानी द्वारा जुवेनाइल एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाने के बाद आज सैकड़ों शहरवासी काकू बंसल के समर्थन में एफआईआर को रद्द करवाने के लिए सचिवालय पहुंचे। काकू बंसल ने डीएसपी जगदीप दून को दरखास्त देकर उनके खिलाफ हुए मुकदमे की निष्पक्ष जांच की मांग की है। झूठा मुकदमा दर्ज होने की बात मेरे को पता लगी है, उसमें हमने एक दिल्ली देवी प्लेसमेंट के थ्रू एक लड़की झारखंड की नौकरी पर रखी हुई थी, जो मेरे पास 23/4 में नौकरी पर आई थी, उसके सारे कागजात मेरे पास हैं। बाली लड़की है वो, 27 तारीख को मेरे घर से निकल गई और दोपहर का खाना खा के हमने प्लेसमेंट एजेंसी को इतला दे दी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं आ जाएगी, आप चिंता ना करो। 28 तारीख को मेरे पास 4 बजे लगभग किला चौकी से फ़ोन आया कि आपकी नौकरानी कोई ऐसे ऐसे बैठी है। मैं वहाँ जाकर वो कहने लगे ये मुकदमा जो है बस स्टैंड चौकी का है, वहाँ पे लेके चलना पड़ेगा। हम वहाँ लेकर आए, वहाँ पर हवलदार ने इसके बयान लिखकर लड़की के, और कहने लगे इसको हम अनाथालय में भेज देंगे और प्लेसमेंट वालों को बुलाते हैं। लड़की कहने लगी प्लेसमेंट वालों के साथ मैं नहीं जाऊँगी, मेरे घर वालों को बुलाओ। तो पुलिस कहने लगी इसको हम अनाथ आश्रम में छोड़ते हैं और इसकी इतला इसके घर वालों को दे देते हैं, वो आके ले जाएंगे। मेरे को कल पता लगा कि जी मेरे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो रहा है, मोहित अग्रवाल जी ने उनके बयान लिए हैं और सिटी थाने में मुकदमा दर्ज करने की बात आई। तो फिर मैंने अपने सभी भाइयों को बरादरी को इकट्ठा किया कि भाई मेरे साथ नजायज़ हो रही है, तो सभी भाई मेरे साथ इस बात के लिए एसपी साहब के पास आए हैं कि इसका अच्छी तरह जाँच की जाए, दोषियों को सजा दें। वह ऐसे प्लेसमेंट वाले जो कि धोखाधड़ी कर रहे हैं लोगों से और ब्लैकमेल करके पैसा वसूलते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। जुवेनाइल एक्ट के तहत प्रसिद्ध समाज सेवी काकू बंसल के खिलाफ सिटी थाना में उन्हीं की नौकरानी द्वारा मामला दर्ज करवाया गया है। बंसल के खिलाफ मामले की जानकारी मिलते ही शहर के समाज सेवी, उद्योगपति और बाजारों के प्रधान काकू बंसल के समर्थन में आ गए। काकू बंसल पर आरोप है कि उनके घर पर काम करने वाली नाबालिग नौकरानी को गंदा खाना खिलाया जाता था और उसे मारा पीटा भी जाता था। वहीं काकू बंसल दावा कर रहे हैं कि लड़की बालिग थी और दिल्ली की एक प्लेसमेंट एजेंसी ने उन्हें सर्टिफिकेट दिया था जिसमें लड़की की उम्र 18 साल बताई गई है, लेकिन पुलिस ने जुवेनाइल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। वॉइस ऑफ पानीपत के पास वो सबूत है जिसके आधार पर पुलिस ने लड़की को नाबालिग बताकर मामला दर्ज किया है। हम आपको दिखा रहे हैं उस लड़की के झारखंड के एक शिक्षा बोर्ड का एडमिशन कार्ड और रजिस्ट्रेशन कार्ड की स्लिप जिसमें लड़की की उम्र 17 साल 5 महीने दिखाई गई है। स्कूल के हिसाब से लड़की नाबालिग है, यानी काकू बंसल के साथ प्लेसमेंट एजेंसी ने धोखा किया है। जो फॉर्म दिल्ली की प्लेसमेंट एजेंसी ने काकू बंसल के परिवार को नौकरानी रखते हुए दिया था उसमें लड़की की उम्र 18 साल बताई गई है। शहर के उद्योगपतियों का कहना है कि सारे मामले की सही तरह से जांच होनी चाहिए, नहीं तो हर नौकर मालिक को ऐसे ही धमकी देता रहेगा। पानीपत उद्योगपतियों का शहर है, हर आदमी के पास अपने एम्प्लॉई हैं, हर आदमी हर घर में है। आज सारे शहर के व्यापार संगठन, हर बिरादरी का संगठन यहाँ इकट्ठा है और ये बात की डिमांड रखता है कि इस प्रकार अगर थ्रेटनिंग होने लगी तो हर नौकर अपने मालिक को थ्रेटनिंग करेगा। तो आज इस बात की जांच करके इस परंपरा को रोका जाए। अगर आज इस केस के अंदर अन्याय हुआ तो हर नौकर अपने मालिक को प्रताड़ित करेगा और ये प्रथा पैदा हो जाएगी पानीपत में, तो ये जरूरी। इस सारे मामले में काकू बंसल की लापरवाही भी सामने नजर आ रही है। नौकर और किरायेदार रखने से पहले पुलिस बार बार आमजन से अपील करती है कि उनकी वेरिफिकेशन कराए, लेकिन काकू बंसल ने ऐसा नहीं किया। महज प्लेसमेंट एजेंसी के भरोसे नौकरानी को रखकर अब इस पचड़े में फंस गए। फिलहाल पुलिस ने काकू बंसल की दरखास्त ले ली है। डीएसपी जगदीप दून का कहना है कि सारे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। ये एक नारे पर यहाँ इनको दिल्ली से, क्योंकि ये वीर सिंह गुड़िया है और ये यहाँ से इनको देवी प्लेसमेंट दिल्ली से इसको प्लेसमेंट करके नौकरानी के तौर से लेके आए थे। उसने आरोप, काकू बंसल पे आरोप लगाए थे कि और किसी दूसरे आदमियों पे भी हैं कि भाई मेरे को ये सेल कर दिया, वहाँ से मेरे को नजायज हिरासत में रखा और इनके बारे में लगाए हैं कि भाई खाने को रोटी नहीं देते थे, मारते पीटते थे। तो इस संबंध में हमने मुकदमा रजिस्टर्ड किया है, इसकी निष्पक्ष जांच करके जो भी कार्रवाई का मामला है। डायरेक्ट कंप्लेंट आई थी या किसी के थ्रू? तो इनके जो कंप्लेंट है इनके बयान पे इस पे रजिस्ट्रेशन हुई है।
तो इसमें नौकर का ये है कि भी जो भी आप नौकर या और कोई चीज किराएदार किसी चीज को रखेंगे तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन देगी, उसकी करेक्टर वेरिफिकेशन तस्दीक करवाएंगे। ये तो सबसे मैंने हम पे पहले भी हमारी तरफ से अपील होती रही है, अब भी यही अपील है। वॉइस ऑफ पानीपत भी आमजन से अपील करता है कि नौकर या किराएदार रखने से पहले उसकी वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कैमरामैन प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।